नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेस विद प्रगति। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे शब्द, यस आर वर्ड्स, हाउ इम्पॉर्टेंट दीज आर। ये शब्द हमारी जिंदगी में किस तरह से प्रभाव डालते हैं, हमारे आसपास हमारा वातावरण कैसे क्रिएट करते हैं। और ना ही सिर्फ आपको बताऊंगी बल्कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाऊंगी जो मैंने खुद किया है। लेट्स सी। ये देखिए, ये है मनी प्लांट और नूनिया। मैंने इन दो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्हें मैंने रोज ब्लेसिंग्स दी पिछले एक महीने तक। फॉर वन मंथ आई यूज्ड पॉजिटिव वर्ड्स, लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन दीज प्लांट्स। इसमें फ्लावर्स आ गए, हरा भरा, कितना अच्छे से मनी प्लांट ग्रो किया कि इसकी एक ब्रांच आगे तक बढ़ रही है। हेल्दी एंड ब्लॉजमिंग प्लांट्स, हर रोज पानी देते वक्त इन्हें ब्लेसिंग्स और लव दिया गया। ऑन द अदर साइड यही सेम प्लांट, नूनिया और मनी प्लांट, इन्हें रोज पानी देते वक्त इग्नोर किया, कोई बात नहीं करी, अकेला छोड़ दिया, कोई मीठी बात नहीं करी, बल्कि कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर यूजलेस, तुम में कोई फूल नहीं उग सकता, तुम एकदम जंगली दिखते हो, यू कांट ग्रो इन लाइफ। और देखिए उसका असर कि इसके पत्ते सूखने लगे, इसमें कोई कली ही नहीं बनी, कोई फूल नहीं बना, सिर्फ एक जंगली जाल सा बन गया। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट वाटर हैज मेमोरी मॉलिक्यूल्स। पानी में याददाश्त होती है, पानी से आप बात कर सकते हैं, पानी के चारों तरफ जो भी कुछ होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है। पावर ऑफ वर्ड्स के कितने एग्जाम्पल्स हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे गंगा जल, क्योंकि कितने लोगों का उसमें विश्वास जुड़ा होता है, उसकी पूजा की जाती है, इसीलिए गंगा जल का पानी इतना पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही कभी आपने मंदिर का प्रसाद, गुरुद्वारे का लंगर या कहीं पर भी जहां भोजन बनाते समय पीछे प्रभु का पाठ चल रहा हो या ऐसी साफ सुथरी वाइब्रेशन हो, तो आप देखिए उस भोजन में अलग ही स्वाद होता है। यही है पावर ऑफ वर्ड्स, जो आपके खाने और पानी को चार्ज करती है, आपको चार्ज करती है, आपके आसपास की हर चीज को चार्ज करती है। एक इंसान एक दिन में करीब 70,000 से 80,000 थॉट्स क्रिएट करता है, वर्ड्स क्रिएट करता है। और जो थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लोअर रेंज होती है 40,000 से 50,000 शब्दों की। तो अगर आप एक दिन में इतने शब्द क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो क्या आपने कभी एनालाइज किया है द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स? आप किस तरह के शब्दों को अपने माइंड में जगह देते हैं? क्या वो पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, या नेगेटिव हैं, पावरलेस हैं, यूजलेस हैं? ये शब्द आप अपने लिए भी यूज करते हैं और अपने आसपास लोगों के लिए भी यूज करते हैं, तो आगे से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं पावर ऑफ वर्ड्स की कितनी इम्पोर्टेंट। और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ यहीं विराम। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से करूंगी मुलाकात विद द चार्ज्ड वर्ड्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।